इसने पूरा मेरा सिर तोड़ डाला है, मुक्के मार मार के। इसे सबको मार दे, मैं चाकू मार। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ मारपीट का यह मामला स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के कथित अफेयर का मामला सामने आने के बाद हुआ। पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे ने डीजीपी से शिकायत की है और वायरल हो रहा वीडियो भी भेजा है। मौके पर घर में काम करने वाले दो लोग भी मौजूद हैं। शर्मा के बेटे ने यह फुटेज गृह मंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अफसरों को भेजी है। बेटे ने पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जानकारी के मुताबिक अफसर अपनी किसी महिला मित्र के घर गए थे, जहां उनकी पत्नी अचानक पहुंच गई। उन्होंने पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद पत्नी दोपहर में जब घर पहुंची तो शर्मा ने उनके साथ जमकर मारपीट की। उन्हें धमकाया कि वह उनके निजी मामले में बीच में ना आए। मारपीट का वीडियो उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। बेटे को जब घटना की जानकारी मिली तो घटना की दो वीडियो क्लिप वरिष्ठ अफसरों को भेज दिए गए। पहला वीडियो लगभग 7.25 मिनट का है और दूसरा लगभग 7.25 मिनट का। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने जब वीडियो में खुद के होने की बात कबूल कर ली है तो उन्होंने कहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है और वीडियो देखा है, अभी कोई शिकायत नहीं आई है, अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई किया जाएगा। मामला सामने आने के बाद डीजी को उनके पद से हटा दिया गया है, साथ ही तबादला भी कर दिया गया। बता दें कि एसटीएफ और साइबर सेल के डीजी रह चुके पुरुषोत्तम शर्मा का नाम हनी ट्रैप केस में पहले भी सामने आ चुका है। हालांकि पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और तत्कालीन डीजीपी वीके सिंह पर कई आरोप लगाए थे।